फ्लैट्स में घरेलू काम करने के बहाने चोरियां करने वाली एक महिला मेड को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस गिरोह में कई महिलाएं मेड शामिल हैं। चुराए गए सोने चांदी के जेवरात को यह गिरोह दिल्ली में एक सुनार को बेचता था। पुलिस इस गिरोह के बाकी सदस्यों की धरपकड़ में जुटी है। एसपी सिटी सेकंड ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया, 28 जुलाई को इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की एटीएस एडवांटेज सोसाइटी में विपुल गोयल के फ्लैट में काम करने के लिए दो महिलाएं पहुंची। घर की साफ सफाई के दौरान परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में दोनों महिलाओं से अलमारी से कई लाख रुपए के जेवरात चुरा लिए। दोनों महिलाओं के चले जाने के बाद विपुल गोयल को चोरी की जानकारी हुई। इंदिरापुरम थाने की पुलिस ने इस मामले में एक महिला को बुधवार को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान पूनम शाह उर्फ प्रीति उर्फ काजल के रूप में हुई है। ये महिला मूल रूप से बिहार में भागलपुर जिले के शिव कुमारी पहाड़ की रहने वाली है। फिलहाल ये दिल्ली के उत्तम नगर में रह रही थी। महिला से करीब 3 लाख रुपए कीमत के जेवरात मिले हैं। एसपी सिटी ने बताया, विपुल गोयल को मेड की जरूरत थी। 28 जुलाई को पूनम अपनी फ्रेंड बंटी को लेकर उस फ्लैट पर पहुंची। पूनम ने परिवार को बातों में लगा लिया और इस दौरान बंटी ने अलमारी खोलकर उसमें से जेवरात चुरा लिए। पूछताछ में पूनम ने स्वीकारा है कि करीब 8 साल से घरों में काम करने के बहाने चोरियां कर रही हैं। इस गिरोह ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में तमाम चोरियां करने की बात कबूली है।